आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें और मेरा ब्लॉग भी देखते रहें। वाह, क्या गाना बज रहा है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, वाह 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 वाह, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, बहुत प्यारा सॉन्ग है। विनोद खन्ना जी इसमें थे, कितने सुंदर लग रहे थे, कितने स्मार्ट, कितनी अच्छी पर्सनालिटी थे वो। अब उनकी बात आई है तो एक चीज़ आप लोगों से शेयर करने का मन हो रहा है। मैं जब नई नई आई थी तो उनके साथ मैं एक सीरियल कर रही थी जिसमें वो मेरे फादर बने थे। वाह, मैं दिख रही हूँ? हाँ, अच्छा। बच्चों के नाम बड़े अच्छे थे, बहुत खुश हो गए वो। कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता ही है मेरी वॉक में। मुझे क्या पता था कि मैं ऐसे आऊंगी, माँ के दर्शन होंगे और इतना अच्छा ढोल बच्चे बजाते हुए प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। लेकिन ओवरऑल सब अच्छा था। मैं घर जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा मूड मेरा ऑफ हो गया था। वहाँ पे जहाँ जाना था वहाँ तो बताया आपको नो एंट्री, तो फिर सोचा कि अब क्या करूँ। वापस जा रही थी और वापस जाते जाते फिर मैं मुड़ गई। मुझे लगा पहले तो मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया हुआ है ये सारी चीज़ें, तो कुछ नया मैं दिखाऊं। लेकिन कहते हैं ना, ये सब पहले से ही डिसाइडेड था, तो पहले से जो डिसाइडेड है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन भी ऐसा ही है कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। भगवद गीता में भी लिखा है ना कि कर्ता मैं हूँ, कर्ता सिर्फ एक है, ऑलमाइटी। लेकिन लोगों को लगता है, भ्रम होता है, इवन मुझे भी, मैं लोगों में अब खुद को भी शामिल कर रही हूँ कि मुझे भी ये भ्रम होता है कि मैं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी होती हूँ, कभी किसी चीज़ को लेके टेंशन भी होता है। बट वो जो समय होता है ना, जब वो समय निकल जाता है उसके बाद सब बहुत ईजी लगता है। कभी कभी एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि गुस्सा, टेंशन या जो भी आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी कठिनाइयाँ चलती हैं या जो भी मुश्किल या परेशानी चल रही है, उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा वो पेन देती है, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी तरीके से अगर वो समय हमारा निकल जाता है, तो जैसे ही वो समय निकल जाता है फिर उसके बाद हमें ऐसा लगता है, अगर हम लुक बैक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार अच्छा हुआ, ऐसा हुआ तो वो अच्छा हुआ, वो मेरे बेटरमेंट के लिए था। तो यही बेटरमेंट हम उस समय नहीं समझ पाते हैं जब हमारे साथ हो रहा होता है। अभी शायद मैं इतनी ईजिली बोल रही हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन जब फिर से उस गड्ढे में गिरती हूँ, जब फिर से वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये बुद्धि, ये ज्ञान कुछ काम नहीं आता। लेकिन हाँ, अब एक प्रैक्टिस मैं ज़रूर करती हूँ कि अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो अपने आप को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक छोटी सी बात अपनी शेयर करने जा रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में, मतलब हाल फिलहाल बोल सकते हैं कि डेढ़ दो महीने पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मैंने प्लानिंग की थी, कुछ सोचा था और सब कुछ अच्छा जा रहा था। उस पर मैंने 3-4 महीने मेहनत की, बहुत ही हार्ड कोर मेहनत की मैंने, और लगा कि बस ये सामने चीज़ दिख रही है, अब हो जाएगा हो जाएगा।
प्लानिंग भी दिमाग में चलने लगी कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये करूँगी ये करूँगी। मतलब वो चीज़ होनी है ये मुझे कंफर्म था कि वो होना है। सडन से ऐसा हुआ कि वो सब कुछ चुटकियों में सब ख़त्म। मतलब ऐसा हो गया कि वो डिसीज़न लेना पड़ा कि क्या करना है। अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि या मुझे आगे बढ़ना है या स्टॉप करना है। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना था। फिर मैंने लुक बैक किया और सोचा कि क्या प्लस है और क्या माइनस है। फिर मुझे ये लगा कि अभी जितना मैं माइनस में हूँ, अगर मैंने ये कदम आगे बढ़ाया तो शायद इससे और ज़्यादा मैं माइनस में चली जाऊँगी, मेरे दिमाग की शांति बिल्कुल भंग हो जाएगी। तो उससे बेटर है, क्योंकि इतने टाइम में ही मैं अपने आप को जज कर पाई कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है, चाह मैं कुछ रही हूँ लेकिन हो कुछ रहा है। तो बस फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को वहाँ स्टॉप किया तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई। देन अगेन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ऑलमोस्ट मंथ के करीब हो रहा है मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट उस चीज़ में किया जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिस चीज़ से मैं अंदर से खुश होती हूँ, वो मेरा कैमरा, मेरी चीज़ें, मेरे लोग, मेरी बातें। ठीक है, ये मेरा डेली व्लॉग है, इसमें एक्टिंग नहीं है, मतलब मैं रियल हूँ। यहाँ पे रियल मानसी पांडे हैं। तो रियल मानसी पांडे की बातें क्या है, रियल मानसी पांडे की एक्टिविटीज़ क्या है, उनके थॉट क्या हैं, और वो क्या चीज़ पसंद करती है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं। बट कहीं ना कहीं ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि कैमरे में ही सारी चीज़ें करनी है, कैमरे को ही अपना फ्रेंड बना के आप लोगों से मैं जुड़ती हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा क्रश मुझे मिल गया, तो जब मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई तो ये मेरा क्रश ही था ना, इसी से तो प्यार हुआ मुझे सबसे पहले। और ये मेरा प्यार आज कितने सालों से मेरे साथ मेरी लाइफ में है। अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ अपनी फील्ड में, बट हाँ कुछ कुछ काम करती रहती हूँ, कुछ पसंद आता है तो करती हूँ। मतलब मौजी इंसान हूँ, जो अच्छा लगता है वो करती हूँ, जो नहीं समझ में आता उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो आप लोगों से इसके माध्यम से मिल रही हूँ, जुड़ रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और रियली आप लोगों के कमेंट भी मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप लोग मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, मेरा हौसला और बढ़ता जा रहा है। तो ये रियल मानसी की बातें हैं, ऑन स्क्रीन वाली नहीं, ऑफ स्क्रीन वाली। स्क्रीन पे अभी भी हूँ, लेकिन ये आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए स्क्रीन पे हूँ। मैं कैमरे को देख के बोल रही हूँ, लेकिन लग रहा है मैं आप लोगों से ही बातें कर रही हूँ। मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, मेरी बातें आप लोग सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन के आप लोग रिप्लाई करते हो, कमेंट करते हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। हर किसी की लाइफ बहुत बिजी होती है, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत उलझा हुआ होता है। अगर मेरे लिए थोड़ा टाइम आप निकाल रहे हैं तो रियली मतलब मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। मैं दिल से आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स बोलती हूँ, और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए और आपकी फैमिली के लिए। ईश्वर करे आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें, और मेरा ब्लॉग भी देखते रहें। वाह, क्या गाना बज रहा है। कोई काश दिल पे ज़रा हाथ रख दे, वाह 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 वाह, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, बहुत प्यारा सॉन्ग है। विनोद खन्ना जी इसमें थे,
कितने सुंदर लग रहे थे, कितने स्मार्ट, कितनी अच्छी पर्सनालिटी थे वो। अब उनकी बात आई है तो एक चीज़ आप लोगों से शेयर करने का मन हो रहा है। मैं जब नई नई आई थी तो उनके साथ मैं एक सीरियल कर रही थी जिसमें वो मेरे फादर बने थे, और इतने प्यारे इंसान। रियली जब मैं उनके साथ सीन कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रियली मैं अपने फादर के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर की हाइट और उनकी हाइट एक जैसी ही ऑलमोस्ट थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे पापा भी उनको बहुत पसंद करते थे, और मैंने घर में सबको फ़ोन करके बताया कि मैं उनके साथ शूट कर रही हूँ। मेरे पास उनकी फ़ोटो भी है। जब मैं शूट करके जाने लगी तो बचपन से उनको देखती आई हूँ। होता है ना एक रिस्पेक्ट, और आर्टिस्ट मैं भी इसी फील्ड में आई जहाँ पे वो इतने बड़े मेगा स्टार, इतने बड़े स्टार हैं कि मैं मतलब वो बता भी नहीं सकती। आप लोग तो जानते ही हैं, कौन नहीं जानता विनोद खन्ना जी को। तो मैं शूट के बाद मेरा मन हो रहा था, मतलब इवन शूट में हम लोग अपने शॉट में बिजी थे, तो जब हम शूट करते हैं तो वहाँ पे स्टिल वाला होता है, वो फ़ोटो खींचता है सबका, कंबाइंड फ़ोटो खींचता है। लेकिन मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं इतनी क्रेज़ी हो रही थी उनके लिए, मैं ये चाहती थी कि मैं उनके साथ फ़ोटो निकालूं, मेरी उनके साथ पर्सनल अलग से फ़ोटो, और वो भी शूटिंग के गेटअप में ना हो कि मैं उनकी बेटी बनी, मतलब जैसे मैं रियल हूँ, मतलब ये गेटअप वाला लुक नहीं, मैं रियल लुक में उनके साथ एक फ़ोटो होना चाहिए। शूटिंग की तो बहुत सारी फ़ोटो थी जैसे मैंने बताया, तो बट मैं उनको बोल नहीं पा रही थी कि मुझे आपके साथ फ़ोटो निकालना है। बट वही है कि जो बड़े लोग होते हैं और पोलाइट होते हैं, थोड़ी आवाज़ आ रही है, आगे बताती हूँ। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो जिनके अंदर थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि एक स्टार, इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वो इतने सरल थे कि उनकी वो सरलता ही थी जिन्होंने दूर से ये जज कर लिया कि मैं उनके साथ फ़ोटो निकालना चाहती हूँ। मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन मैं उनको देख रही थी, और मैं वो वेट कर रही थी कब मुझे मौका मिले, और मौके तो मिले, लेकिन मैं सोच रही थी बोलूँ तो बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के बोला, अच्छा फ़ोटो खिंचवाना है। तो मैं हंस पड़ी ज़ोर से, मैंने कहा हाँ फ़ोटो खिंचवाना है मुझे। तो बोले अच्छा आओ फ़ोटो खिंचवाओ। तो मैं ऐसे जस्ट ऐसे करके साइड में ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे हाथ पकड़ के। तो बोले अरे आराम से पकड़ लो, मैं तुम्हारे फादर का रोल कर रहा हूँ। तो रियली उनकी ये सरलता देख के, उनका ये नेचर देख के मैं इतनी खुश हुई। तो लिटरली मैंने उनका ऐसे हाथ, जैसे एक बेटी अपने बाप का हाथ पकड़ती है वैसे हाथ पकड़ के, और हमने फ़ोटो खिंचवाया। मेरी शूटिंग का पैकअप हो गया था, बाल भी ऐसे ऐसे बिखरे हुए थे मेरे, लेकिन बहुत अच्छा था। मैं ट्राई करूँगी, अभी ये जहाँ पे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं उनके साथ अपनी फ़ोटो डिस्प्ले करूँगी, तो आप लोग भी देखेंगे ना कितने प्यारे लग रहे हैं वो। जहाँ भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को बहुत 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 सुखी रखिए। भावुक हो जाती हूँ, पुरानी चीज़ों में चली जाती हूँ, फिर शब्द मेरे ख़त्म हो जाते हैं। हर कोई आया यहाँ पे मेहमान बन के, लेकिन हर किसी को ये गुमान होता है कि हमें तो यहीं रहना है, लगता ही नहीं कि हम कभी जाएंगे। वो गाना है ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, यारे तेरी बोल। वाह क्या बात है, कितनी सच्चाई है इस गाने में, सच में। कुछ नहीं है ना लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ है भी। अगर हम ये सोच लें कि कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है सच्चाई है, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहना है, सीखते रहना है, करते रहना है, ठोकर भी लगेगी, गिरेंगे भी, उठेंगे भी, संभलेंगे भी, लेकिन चलते रहना है, और बहुत खुश होके चलना है, खुशियाँ बांटते हुए, खुशियाँ लुटाते हुए,
खुद को भी खुश रखना है और लोगों को भी खुश रखना है। तो जीवन किस चीज का नाम है? खुश रहने का नाम है। कोशिश मेरी भी यही रहती है बोल तो रही हूँ लेकिन खुश भी रहती हूँ। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा करके इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं। कहीं जाती हूँ कोई छोटी चीज़ ही मुझे खुशी दे देती है। मुझे खुश होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ। तो आज की फिर सुहानी इवनिंग और भी सुहानी हो गई माता का दर्शन जो हुआ, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मुझे लगा आज कुछ खास है नहीं, बट अच्छा लगा। बैक टू होम, चल इधर से चलते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना आज का एक्सपीरियंस, आज की चीज़ें, आज की मेरी बहुत सारी बातें आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट ही तो एक माध्यम है, मैं तो वीडियो में बोल देती हूँ लेकिन आपका कमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ मैं पढ़ती हूँ तब मुझे पता चलता है एक्चुअली कि आप लोगों ने हर वो पॉइंट को टच किया, हर वो मेरी बात को अच्छे से सुना जो मैंने बोला, तो उस समय तो मेरी खुशी और चार गुना बढ़ जा। सडनली मेरे कैमरे की बैटरी ड्रेन हो गई, अभी मैं अपने मोबाइल से शूट कर रही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, सारी बातें अच्छे से सुनी, जब आप कमेंट में उसको लिखते हो ना तो मेरी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो चार गुना, दस गुना, बारह गुना, बीस गुना, मतलब वो काउंटलेस होती है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मेरी बातें कैसी लगी। देन तब तक के लिए क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।